नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूं तो उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में काफल, हिसोले, किनगोड़े, बेडू, भमरा आदि जंगली फल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं फलों के साथ एक नाम और जुड़ता है, तिमला। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग एवं ग्रामीण क्षेत्र में इस फल को त्यामल कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है अंजीर और अंग्रेजी में कहा जाता है एलिफेंट फिग। यह मोरेसी कुल का एक प्लांट है और इसका बॉटनिकल नेम है फाइकस आरी कुलेटा। यूं तो हर पेड़ पर फल आने से पहले फूल आते हैं, लेकिन तिमला या अंजीर इसका एक अपवाद है। पहाड़ों में ऐसा माना जाता है कि जो तिमले के फूल को देखता है वह बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करें तो जो तिमले का फल होता है असल में वह फल नहीं बल्कि एक इन्वर्टेड फूल है जिसमें ब्लास्म दिख नहीं पाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस फल की नहीं खेती की जाती है और ना ही इसे रोपा जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से खेतों की मेंढों में या घरों के आसपास अपने आप ही उग जाता है। तिमले के पेड़ छोटे आकार से लेकर के और विशाल काय तक पाए जाते हैं। अपनी अपरिपक्व अवस्था में तिमले के फल हरे रंग के होते हैं और काफ़ी कठोर होते हैं, किंतु जब यह पकना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे इनका रंग परिवर्तित होता है और फिर ये गुलाबी और हल्के लाल रंग के हो जाते हैं। अच्छी तरह से पक जाने के बाद तिमले के अंदर शहद के जैसा एक मीठा पदार्थ बन जाता है और यही इसके स्वाद का मुख्य कारण होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में दुधारू पशुओं को तिमले के हरे पत्ते खिलाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन पत्तियों को खिलाने से उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में तिमले की हरी पत्तियों को सुखा करके रख लिया जाता है और फिर इसे पालतू पशुओं को खिलाया जाता है। तिमले या अंजीर का प्रयोग विशेषतः पेट की समस्याओं में किया जाता है और यह पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि का काम करती है। पर्वतीय अंचल में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तिमले की हरी पत्तियों को टहनियों से तोड़ने पर इसमें दूध जैसा एक सफ़ेद पदार्थ निकलता है और यदि किसी के शरीर के किसी भी हिस्से में कांटा चुभ जाए और वह कांटा निकल नहीं रहा हो तो इस दूध जैसे पदार्थ को उस हिस्से पर लगा दिया जाता है और एक या दो दिन के बाद वह स्थान मुलायम होकर के फिर कांटा बाहर अपने आप निकल जाता है। प्राचीन काल से ही तिमले को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियों को पूजा पाठ के कार्यों में, पत्तल बनाने एवं प्लेट बनाने के काम में लाया जाता रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं।